Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाराणा विक्रमादित्य बहुत कमजोर शासक थे। वह अट्टहासपूर्ण मजाक सामंतों के साथ करते थे। इससे सरदार नाराज होकर अपनी अपनी जागीर में चले गए, जिससे मेवाड़ बहुत कमजोर हो गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बहादुर शाह गुजराती मांडू से अपनी फौज 1532 में चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हुआ, तो महाराणा और सलाहकारों के होश उड़ गए। महाराणा ने समझौता करना चाहा, पर वो नहीं माना और नीमच तक अपनी फौज लेकर पहुंच गया। सरदार भागकर चित्तौड़गढ़ के किले में आ गए, तो उन्होंने चित्तौड़गढ़ आ घेरा। तब महाराणा विक्रमादित्य ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए लिखा। यह खत कहा जाता है महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद के लिए लिखा था, परंतु इतिहास में कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता। विक्रमादित्य का खत पढ़कर मेवाड़ की मदद के लिए हुमायूं ग्वालियर तक सेना लेकर पहुंचा। जब बहादुर शाह को खबर मिली तो एक खत हुमायूं को लिखा। उसमें लिखा कि मैं इस्लाम के लिए निकला हूँ, इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहा हूँ। तुम भी इस्लाम के झंडे बुलंद करने निकले हो तो दोनों का मकसद एक ही है। सामने काफिर है, तुम काफिर की मदद करोगे तो खुदा तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। यह पत्र पहुंचते ही वो वहां रुक गया। विक्रम संवत 1592 माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन 11 फरवरी 1533 को चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करना चाहा, पर किले तक नहीं पहुंच सका। अंदर महाराणा के बहादुर सरदार तो थे नहीं, केवल पहलवान थे। अंत में महारानी कर्मावती ने मालवा के कुछ गांव और महमूद का ताज कमरपेटा देकर समझौता कर लिया। इस पर कुछ दिन बाद महाराणा विक्रमादित्य की आदतों में सुधार नहीं हुआ, तो उनके कवि ने लिखा, नीम ने मीठा होए सिंचिया गुड़ घी सूं, ज्याका पढ़िया स्वभाव का जासी छुटिया जीव सूं। विक्रम संवत 1592 सन 1534 को उसने वापस चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। तब राजमाता कर्मावती हाड़ी ने अपने हाथ में मेवाड़ की कमान लेकर सभी सरदारों को संदेश भेजा और कहा कि यह चित्तौड़गढ़ हमेशा सिसोदिया का रहा है, अब भला चाहो तो तुम चाहो तो रखो या तुम चाहो तो इसको जाने दो, तुम्हें यह किला सौंपती हूँ। जब हाड़ी का पत्र सिसोदिया सरदारों ने पढ़ा तो उसमें जोश आ गया और जोश के साथ चित्तौड़गढ़ चले आए। रावत बाग सिंह देवलिया, हाड़ा अर्जुन, रावत सत्ता सोनगरा माला, डोडिया भान, सोलंकी भेरुदास, झाला सिंह, झाला सज्जा, रावत नर्बदे और चुड़ा के वंशज रावत चुंडा चुंडावत जैसे सरदार आ पहुंचे और महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया। भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में बहुत से मेवाड़ के बहादुर सरदार अपना पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में 32,000 राजपूत काम आए, 13,000 औरत रानी हाड़ी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर किया। यह लड़ाई संवत 1992 चैत्र शुक्ल पंचम 1534 को पूरी हुई। फिर किले का इंतजाम कर हम बादशाह हुमायूं से लड़ने गया। तब बहादुर शाह लड़ाई छोड़कर भाग गया और इधर मेवाड़ी 5,000 राजपूतों ने विक्रमादित्य उदय सिंह को बूंदी लेकर आए और चित्तौड़ पर चढ़ाई की, तो गुजराती मुसलमान किला छोड़कर भागे। किले पर मेवाड़ का अधिकार हो गया। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।